ये है रिया बारडे उर्फ आरोही बारडे उर्फ बन्ना शेख, एक ऐसी महिला जिसने फर्जी पहचान पत्र बनाकर भारत में अवैध तरीके से प्रवेश किया और देश के कानूनों का गलत इस्तेमाल कर दो मासूम पुरुषों पर झूठे बलात्कार के आरोप लगाए। ये कहानी है उन लोगों की जो सिस्टम का गलत फायदा उठाकर न सिर्फ कानून को धोखा देते हैं बल्कि दूसरों की जिंदगी को तबाह कर देते हैं। रिया बारडे और उसके तीन परिवार के सदस्य जो बांग्लादेश से हैं, कई सालों से फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के साथ भारत में रह रहे थे। इन चारों ने न सिर्फ भारत की सुरक्षा और नियमों का मजाक बनाया बल्कि यहाँ रहकर पैसों के लिए झूठे केस भी दर्ज करवाए। रिया ने दो निर्दोष पुरुषों पर झूठे बलात्कार के आरोप लगाए ताकि उनसे पैसे वसूले जा सकें। मासूम पुरुष जिनका कोई कसूर नहीं था उन्हें रिया ने ब्लैकमेल किया और झूठे केस में फंसाकर उनसे मोटी रकम वसूलने की कोशिश की। इस तरह के झूठे मामले न केवल कानून का दुरुपयोग है बल्कि असली पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी का कारण भी बनते हैं। रिया और उसका परिवार सालों से इन फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। आखिरकार पुलिस ने उनकी असलियत का पता लगाया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। हमने इनके खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठे किए हैं और इनके फर्जी दस्तावेजों को जब्त कर लिया है। ऐसे मामलों में कड़ी सजा दी जाएगी। रिया बारडे और उसके परिवार ने न केवल भारत के कानून का मजाक बनाया बल्कि मासूमों की जिंदगी भी तबाह करने की कोशिश की। अब इन पर कानून का शिकंजा कस चुका है। कानून का पालन करें और ऐसे ठगों से सावधान रहें जो कानून का गलत इस्तेमाल कर समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। सत्य की हमेशा जीत होती है। हमारी विशेष रिपोर्ट देखते रहिए और सच के साथ बने रहिए। धन्यवाद और हमें देखते रहिए।